हम लोग दही भल्ले का प्रीमिक्स बनाएंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रीमिक्स बनाने के बाद हम इसे कितनी ही जल्दी कैसे आसानी से हम इससे दही भल्ले बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये जो प्रीमिक्स है इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 6 से 7 महीने के लिए। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द की दाल ली है, जो सफ़ेद उड़द की दाल होती है, और 1/4 कप मैंने मूंग की दाल ली है। तो आप चाहें तो सिर्फ उड़द की दाल से भी इस दही भल्लों को बना सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल डालने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम दोनों दालों को मिक्स करके एक ग्राइंडर में डालेंगे। इस दाल को मैंने अच्छे से पोंछ करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसको पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक फाइन पाउडर बना लिया है और एक छन्नी ली है, इसमें से हम इसको छान लेंगे जिससे कि अगर दाल के कुछ मोटे टुकड़े रह गए हों तो वो निकल जाएं। अभी ये जो दाल का पाउडर है मैंने छलनी में डाल दिया है, इसमें मैं अब 1/2 टीस्पून यानी आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा फिर आप एक चुटकी ही इसमें डालें, ज़्यादा ना डालें। और इसको मिक्स करते हुए हम छान करके नीचे एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। निकाल दिया है, अब हम इस आटे को एक एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख लेंगे और फिर उसके बाद हम जब चाहे इससे दही भल्ले बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए एयरटाइट कंटेनर में मैंने इनको भर लिया है और साथ में मैंने इसमें कुछ तेज पत्ते जो होते हैं वो उसमें लगा दिए हैं, जिससे कि इसमें कीड़ा नहीं लगेगा और बिल्कुल ये हमेशा ठीक रहेगा। तो आप इसको फ्रिज में रखने के बाद में 6 से 7 महीने तक आराम से रख कर दही भल्ले बना सकते हैं। तो इस प्रीमिक्स से हम दही भल्ले बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बोल में मैंने जो आटा हमने अभी बनाया था दाल का उसको ले लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर को तैयार करने में लगभग हमारे जो दाल का आटा है उससे दुगना पानी लग जाता है। तो आप धीरे धीरे करके आटे को मिलाइए और इसमें पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे हम। देखिए एक बैटर हमने बना लिया है, अभी फिलहाल ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा फूलने के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे और उसके बाद में अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसको फेटेंगे। जब तक हमारा जो बैटर है वो सेट हो रहा है, हमने एक बोल में पानी ले लिया है जिसमें हम अपने भल्लों को भिगोएंगे। तो इसमें हम नमक डाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो सेट होकर के तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें पानी और मिक्स किया है और अब हम इसको फेटेंगे, लगातार चलाते हुए हम इसको फेटेंगे। और फेटते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो दाल है उसको हम एक ही साइड में फेटेंगे, जिससे कि इसमें हवा इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम दूसरी साइड से नहीं फेटेंगे, तो एक साइड से हम इसको 5 से 6 मिनट तक फेटेंगे अच्छे से। तो ये देखिए इसका जो कलर है काफ़ी चेंज हो गया है और इसमें लगभग 4 चम्मच मैंने बड़े पानी 4 बड़े चम्मच पानी और इसमें ऐड किया था। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें देखिए मैंने एक भल्ला डालकर देखा है तो वो तैर रहा है। तो बस हमें इतने ही गर्म तेल में अपने भल्लों को फ्राई करना है। तो हम इसमें एक एक करके भल्ले डालेंगे। तो अपने हाथ को पानी में भिगोएं थोड़ा सा और थोड़ा सा हिस्सा अपना उसमें बैटर में से निकालें और ऑयल में डालते जाएं इस तरीके से। और जो फ्लेम है वो हमने मीडियम पे ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना है हमें, ना ही ज़्यादा लो पे रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये फूल कर बिल्कुल गोलगप्पे जैसे मोटे मोटे हो जाएंगे फूल करके। अभी फ्रेंड्स हमारे जो भल्ले हैं उनका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, वो भी हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने सारे भल्ले फ्राई करने के बाद हल्का सा ठंडा करके उनको पानी में भिगो दिया है और अब हम इन्हें ढक करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से पानी में भीगे रहने देंगे, लेकिन भल्लों को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप भिगोएं। आधे घंटे के बाद हमारे जो भल्ले हैं वो फूल करके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो साइज है वो लगभग डबल हो गया है फूल कर और ये कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए आप इसको हल्का सा स्क्वीज करें, हल्का सा इसको दबाएं, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें से प्रेस ना करें, थोड़ा पानी इसमें रहना चाहिए। अब हम एक बोल में अपने भल्ले लगा लेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है, 1 कटोरी दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है और इसमें 1 छोटा चम्मच जितना मैंने शक्कर ऐड किया है यानी पिसी हुई चीनी ऐड की है, इससे भल्ले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब दही को हम अच्छी तरह से फैला देंगे अपने भल्लों के ऊपर। सॉफ्ट बने ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और इसका अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
कोई इनको देखकर ये नहीं कह सकता कि हमने इस दाल को भिगोया नहीं था, और बल्कि इसको हमने 10 मिनट में ही बना करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें,